Hi, welcome to Bhavin online classes. In this session of human reproduction, we will start spermatogenesis. Spermatogenesis hota kya hai? Spermatogenesis hota hai formation of male gamete, that is sperm. वो spermatozoa. Singular अगर हम बोलेंगे तो spermatozoon. जो ये spermatogenesis का प्रोसेस है, ये मेल में कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी की एज पे. और प्यूबर्टी की एज क्या होती है? ये होती है 12 to 14 years in case of males. अब इस एज में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन है फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं. और क्या होता है इसमें, जो FSH एंड LH है, गोनेडोट्रोफिन है, उनका लेवल बढ़ जाता है और जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अब जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्टार्ट तो प्यूबर्टी की एज पे होता है. ये कंटिन्यू कब तक रहता है? डेथ तक. जब तक कोई मेल की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यू रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू टिल डेथ. अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? 65 टू 70 डेज लगते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में. स्पर्म के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? 65 टू 75 डेज. अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार स्पर्म जो बने हैं 75 डेज में तो नेक्स्ट 75 डेज बाद ही बनेंगे, नहीं. इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस सब स्टेजेस में डिवाइड होता है. जैसे कि क्या कि पूरा का पूरा प्रोसेस टू स्टेजेस में डिवाइड है. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है. और जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो ये पूरे के पूरी डेज है, इन डेज में जो एक सेल है वो दूसरे स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी सेल वो तीसरे में, तीसरी चौथे में, ऐसे ये सब स्टेजेस में कन्वर्ट होती रहती है. इसलिए स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है टिल डेथ. और जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है विद एडवांसिंग ऑफ एज में क्या होता है कि ये थोड़ा स्लो हो जाता है. इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, नंबर ऑफ हेल्दी स्पर्म भी कम हो जाता है. इसके वेरियस रीजंस हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रीजन है कि ग्लोबली स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है. ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन होगी, मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. अगर हम टीएस ऑफ टेस्टिस को देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस को देखें, तो हम देखेंगे उसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगी हमें. ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इनके बीच में जो सेल्स है वो सेल्स है इंटरस्टीशियल सेल. इंटरस्टीशियल सेल और लीडिंग सेल. लीडिंग सेल ये क्या करती है, एंड्रोजन रिलीज करती है. एंड्रोजन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये हमने पढ़े हैं. अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें भी टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, सेट्रोलाइट सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. स्पर्मेटोगोनिया सेल्स तो क्या करती है, स्पर्म के फॉर्मेशन करती है. और सेट्रोलाइट सेल्स क्या करती है, सेट्रोलाइट सेल्स क्या करती है, जो डेवलपिंग स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन देती है. इसके अलावा क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्पर्म को. और स्पर्म को जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है स्पर्म का उसको बाहर लेके आती है. इसके अलावा ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है. ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है. ये क्या होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, देखो जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होता है किससे, जर्म सेल से. ब्लड ने कभी भी जर्म सेल को नहीं देखा है. अगर ब्लड जर्म सेल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो वो इम्यून रिएक्शन करके जर्म सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है. अब जो ब्लड से सारे के सारे न्यूट्रिशन जो स्पर्म्स तक पहुंचते हैं वो कौन सी सेल के थ्रू जाएंगे, सर्टोलाइट सेल्स. सर्टोलाइट सेल्स का नाम पड़ा है इसके डिस्कवरर के नाम पे, एनरिको सर्टोलाई. अब जो ये सर्टोलाइट सेल्स है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, ये न्यूट्रिशन देती भी है और स्पर्म का मेटाबॉलिक वेस्ट लेती भी है. तो ये बैरियर का काम करती है जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर. इसके अलावा जो सेट्रोलाइट सेल्स है वो एबीपी रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. इसका काम क्या है, जो एंड्रोजन रिलीज हुए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखते हैं. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन से अटैच हो जाते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे. इसके अलावा ये MIS म्यूलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस रिलीज करते हैं. म्यूलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे, म्यूलेरियन डक्ट होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और सर्विक्स बनाती है. इसका मेल में तो कोई रोल है नहीं, तो म्यूलेरियन डक्ट के रिग्रेशन में हेल्प करते हैं ये सेल हेल्प करती है. सेट्रोलाइट सेल्स क्या रिलीज करती है, म्यूलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस. अब ये इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करती है. अब इनहिबिन हार्मोन का क्या रोल है, जब हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जब एफएसएच का लेवल बढ़ता चला जाता है तो सेट्रोलाइट सेल्स
इनहिबिन हार्मोन रिलीज करती है जो प्रोटीनेसिस हार्मोन होता है। उस हार्मोन का काम क्या होता है कि बढ़ते हुए एफएसएच के लेवल को घटाती है, किस पे एक्ट करके, एंटी रिपिटेटरी पे एक्ट करके, तो ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है। अब जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसकी दो सब स्टेजेस हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। स्पर्म का फॉर्मेशन में इन दो स्टेजेस का क्या रोल है। जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है वो तीन फेजेस में कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस वो तीन स्टेजेस क्या है। पहली स्टेज है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाती है। बेसिकली टू टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती है, टाइप ए और टाइप बी, डस्टी एंड क्रस्टी, डस्टी एंड क्रस्टी। अब टाइप ए एंड टाइप बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती है। जो टाइप ए सेल्स होती है वो रिजर्व सेल की तरह काम करती है, वो क्या करेगी, टाइप ए भी बनाएगी और टाइप बी भी बनाएगी, ये बेसिकली नंबर को इंक्रीज करेगी। और टाइप बी सेल है वो क्या करेगी, आगे फर्दर स्टेजेस में चली जाएगी। ये तो है फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ फेज। अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसे टाइप बी सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड होने के लिए, तो वो साइज में इंक्रीज हो जाती है, वो साइज में इंक्रीज होकर क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये डिवाइड होके फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब क्या होता है कि जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है ये डिप्लोइड है, ये 2N है, अब ये माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, यहां माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ये भी 2N है, डिप्लोइड ही है, अब ये भी माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं टाइप ए और टाइप बी सेल्स में, तो ये भी डिप्लोइड है। और जो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ये ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रही है, तो ये भी डिप्लोइड है, यहां तक स्ट्रक्चर डिप्लोइड है। इसके बाद फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये हैप्लोइड होती है। अब जो ये हैप्लोइड सेल्स है इसके बाद होती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होती है, मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड इज लाइक ए माइटोटिक डिवीजन, ये माइटोसिस की तरह होती है, मियोसिस सेकंड होती है वो माइटोसिस की तरह होती है। इसमें क्या होगा, जो ये एन है तो ये जो स्पर्मेटिड बनेगी ये ऑल्सो हैप्लोइड होगी। अब जो ये हैप्लोइड सेल्स है ये यहां तक का प्रोसेस है, ये होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब जो ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है इसके बाद जो प्रोसेस आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलते हैं इसको, दो नाम है इसके, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटिलियोसिस। अब जो ये प्रोसेस है इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये चेंज आएगा, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हो जाएगा, गोल्गी बॉडी जो है वो एक्रोसोम बनाएगी, और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो ये राउंड स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म इज द ओनली सेल इन ह्यूमन बॉडी विच हैज फ्लैजिला। और स्पर्म के मूवमेंट के लिए कौन सी शुगर इस्तेमाल होती है, फ्रुक्टोज शुगर। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो टेल रीजन में कंडेंस हो जाता है, साइटोप्लाज्म है वो टेल रीजन में कंडेंस हो जाता है, और डीएनए और बेसिक प्रोटीन ही रह जाते हैं, और क्या निकल जाता है बाहर, आरएनए प्लस एसिडिक प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं। ये पूरे का पूरा ये चेंजेस होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म के फॉर्मेशन में ये चेंजेस होते हैं कि साइटोप्लाज्म टेल रीजन की तरफ चला जाता है, डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन बचते हैं,
एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है किससे, मॉडिफाइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, और एक्रोसोम को क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक नाइफ भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हमने पढ़ा है। हम फिर से एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस को रिपीट करते हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है वो माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया। उस स्पर्मेटोगोनिया भी टू टाइप्स की बनती है, टाइप ए सेल एंड टाइप बी सेल। टाइप ए सेल वो होती है रीजन सेल्स की तरह एक्ट करती है, वो क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ाती है, टाइप ए भी बनाएगी और टाइप बी भी बनाएगी। और टाइप बी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो आगे प्रोसेस में चली जाती है, आगे की स्टेजेस में चली जाती है। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं वो क्या करेगी, अपनी साइज में इंक्रीज होगी, और साइज में इंक्रीज होगी क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये भी डिप्लॉइड होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू होगा, और मियोसिस टू होता है वो क्या होता है, माइटोसिस की तरह होता है, तो वो क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फाइनली क्या बनेगा, स्पर्म। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम आगे जाके देखेंगे, हायर क्लासेस में जाके देखेंगे कि जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी, ये आपस में जुड़ी होती है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से जुड़ी होती है। और ये सब साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कब तक कंटिन्यू रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स तक ये कंटिन्यू रहते हैं, जब तक स्पर्म सेटेलाइट सेल्स के मेम्ब्रेन से रिलीज नहीं हो जाते, तब तक ये क्या रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से कनेक्ट रहते हैं। अब एक और टर्म आती है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। जो स्पर्मिएशन है वो क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ सेटेलाइट सेल्स। जो ये सेटेलाइट सेल्स होती हैं, इसकी मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड रहते हैं स्पर्म्स। सेटेलाइट सेल्स के मेम्ब्रेन से रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ सेटेलाइट सेल्स, ये होता है स्पर्मिएशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें किन किन हार्मोन्स का रोल है वो अभी हम पढ़ते हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी की एज पे क्या होता है कि गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ जाता है। गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, जो गोनेड्स पैक करते हैं LH और FSH। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, इसके रिस्पॉन्स पे LH और FSH रिलीज करती है। और जो LH और FSH होते हैं ये गोनेडोट्रोफिन, ये गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। अब ये LH है, इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, लीडिंग सेल्स पे, और FSH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेटेलाइट सेल्स पे। जो LH है इसको बोलते हैं ICSH, इंटरस्टीशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ICSH भी बोलते हैं इसको। ये हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन रिलीज कराता है। और जो टेस्टोस्टेरोन है उसका फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ मेल को ही गवर्न करता है। और दूसरा काम क्या करता है, इसकी हायर कंसंट्रेशन किसमें हेल्प करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। अब जो ये सेटेलाइट सेल्स है ये क्या करती है, स्पर्मिएशन में हेल्प करती है। स्पर्मिएशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ सेटेलाइट सेल्स, इसमें हेल्प करती है क्या, सेटेलाइट सेल्स। अब जो ये इनहिबिन है, इनहिबिन रिलीज करती है सेटेलाइट सेल्स, ये क्या करता है, ये जब इसका FSH का लेवल बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है, ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है, ये FSH के लेवल को कम करवाता है। इसी तरीके से जब LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है, ये भी किसको कम करवाता है, LH के लेवल को कम कराता है। अब ये पूरे के पूरे पूरी की पूरी एक्सिस को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल गोनेडल एक्सिस। हाइपोथैलेमो मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइजियल किसका नाम होता है, हाइपोफाइसिस होती पिट्यूटरी, और गोनेडल मतलब गोनेड्स पे एक्ट करता है एक्सिस। इस पूरे के पूरी एक्सिस को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल गोनेडल एक्सिस। इसका क्या रोल है, ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ, ये चार्ट क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स का क्या रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये हम यहां से देख सकते हैं। इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, यहां से क्वेश्चन ये आ सकते हैं, इसको ए मार्क कर सकते हैं, इसको बी मार्क्स कर सकते हैं, इसको सी, इस तरीके से इसको डी,
और ये क्वेश्चन आ सकता है ए बी सी डी बताओ क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि ये लीडिंग सेल है, आपको बताना पड़ेगा ये टेस्टोस्टेरोन है, लीडिंग सेल है। अब लीडिंग सेल क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन सी सेल रिलीज करेगी, लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल पे कौन सा एक्ट करता है, एलएच। इसी तरीके से स्पर्मिएशन में कौन सी सेल हेल्प करती है, सेटोलाइसेस, एफएसएच। और एफएसएच ये ए को हम एफएसएच मार्क करेंगे। इस पूरी की पूरी एक्सिस से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।